कैसे हो आप लोग सर? आई गेस सब लोग ठीक ही रहेंगे, राइट? बहुत लोग इंडिया में तरह तरह जर्नी करते रहते हैं। आज हम लोग भी एक जर्नी करने वाले हैं। आज इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट आसाम स्टेट से लेकर इंडिया के सदर्न मोस्ट पार्ट केरला तक वी विल बी हैविंग ए जर्नी। और इस जर्नी का एक खूबियत भी है दैट वी आर टेकिंग द इंडियाज लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग ट्रेन, दैट इज़ द दिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस। कैन यू इमेजिन वन पार्ट ऑफ इंडिया यू आर कवरिंग बाई रेल टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया, सो इट्स एक्सट्रीमली लॉन्ग, राइट? तो ऐसे सिनेरियो पे इट टेक्स नॉर्मली 76 आवर्स टू कम्प्लीट इस जर्नी फ्रॉम दिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। तो हम लोग ये जर्नी करेंगे आसाम की मरियानी स्टेशन से, सीधे जाएंगे अप टू केरला इन टू ए प्लेस नेम कोटेयम। ट्रेन है मरियानी स्टेशन से, तो वी थॉट टैक्सी से जाने से अच्छा है कि ट्रेन से ही चलते हैं। तो ये मतलब एक छोटा सा स्टेशन है बट बहुत अच्छे से मेंटेन है। देखा जाएगा तो यहाँ पे क्या है, वाईफाई तक है, गुड वाईफाई तक है। बट एक ड्रॉबैक ये है कि अभी पता नहीं है कि रात है, इसलिए मैं जहाँ से बैठी हूँ जहाँ तक मुझे दिखता है वहाँ तक कोई शॉप तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। पता नहीं दिन में तो शायद लगता होगा। ये जो ट्रेन है वो रात को 10 बजे का टाइम है, पर पता नहीं आज क्यों 11 बजे आएगा। हम लोग जा रहे हैं इसलिए होंगे, शायद हो सकता है। पता नहीं, जब भी मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना तो हमेशा लेट ही होता है। सो एनीवे कल अर्ली मॉर्निंग का ट्रेन हम लोग को मरियानी से 3 o'clock में, इट्स आई गेस वो भी अभी दिब्रूगढ़ से डिपार्ट हो गया है। दिब्रूगढ़ से शुरू होने वाली ट्रेन है जो कि कन्याकुमारी तक जाती है, लाइक 4000+ किलोमीटर्स जर्नी करती है। के 3 बजने वाला है, 2:30 हो गया, तो हम मरियानी में ऑलरेडी पहुंच गए हैं। गरम गरम पूरी सब्जी और गुलाब जामुन खरीदा, अभी सुबह सुबह बना रहे थे वो लोग। 3 बजे ही मैजिक, राइट? तो ये है विवेक एक्सप्रेस दिब्रूगढ़ से आने वाली ट्रेन, बहुत ही बिफोर टाइम में है। मीन्स ये 3 बजे आने की थी, अभी तो 2:35 ही हुआ है, तो ऑलरेडी ये ट्रेन पहुँच गई है। तो हम लोग का तो कंपार्टमेंट AC फर्स्ट टायर है, AC 1, आई गेस यही वाला जो फर्स्ट बोगी जो आ रहा है वही है। तो बहुत आगे चलना पड़ेगा तो मिलने के लिए, राइट? ठीक है, फिर अभी ट्रेन में चढ़ने के बाद बाकी मिलेंगे, ठीक? एक्सप्रेस में, विवेक एक्सप्रेस, इट वॉज ऑलरेडी बिफोर टाइम, यू नो आई मीन 3 बजे आने के लिए था, तो 2:30 तक ही पहुँच गया स्टेशन में। सो हम लोग वो साइड वाला बर्थ है, इट्स रियली क्राउडेड देयर एंड इट्स ऑलमोस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, सो वी थॉट नॉट टू डिस्टर्ब द अदर पैसेंजर्स, राइट? क्या कर रही? सो आई मीन ट्रेन इज ओके बट बहुत सारा डेवलपमेंट चाहिए, बहुत ही पुराना बोगी है एंड doesn't feel like second AC. We had taken the ticket for the second AC, but it's all gone. Lights are not functioning, chargers are not working, and all these things, right? Okay. So anyways, abhi to hum log jaldi jaldi so jaate hain because there is nothing. We can't see anything in the
आउटसाइड. सो नेक्स्ट स्टॉप विल बी इन नागालैंड एक्चुअली, इट विल जस्ट टच नागालैंड और फिर अगेन कम बैक टू आसाम. कल सुबह वी विल बी रीचिंग गुवाहाटी जो कि आसाम की कैपिटल है एंड उधर हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर को क्रॉस करेंगे. सो आई विल गिव यू ऑल द शॉट्स. ओके सो स्टे ट्यून्ड. अभी हम लोग लुमदिंग स्टेशन में पहुंच गए हैं. लुमदिंग आसाम में, आई गेस आसाम में ही है लग रहा है. लेकिन क्लाइमेट अच्छा ही है, धूप ऑलरेडी पहुंच गया है. सुबह के 7 बज रहे, अच्छा खासा धूप है यहाँ पे. थोड़ा स्नैक्स मिलता है लाइक रोटी एंड ऑल. ट्रेन अभी भी बिफोर टाइम ही चल रही है, लाइक 7 बजे को पहुँचना था, ये ऑलरेडी 6:50 तक पहुँच गई, 10 मिनट्स बिफोर टाइम. एक बहुत यूनिक चीज़ है कि यहाँ के जो घर होते हैं ये बहुत डिफरेंट टाइप के बने होते हैं, लाइक इट्स लाइक टिन शेड से बने होते हैं. आई गेस यहाँ के क्लाइमेट के कारण होगा, बिकॉज यहाँ हमेशा बारिश होता है और यहाँ पे हमेशा पानी का बहुत ये होता है, इसलिए शायद इसलिए ऐसे टिन शेड से ज़्यादा बनते हैं. करके एक स्टेशन में पहुंच गए और सुबह सुबह अंडा बॉयल खा रहे हैं. यहाँ पे सुबह सुबह अंडा बॉयल आता है खाने के लिए, गरम गरम अंडा है, नमक के साथ खाते हैं, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी है. तो ऐसे सब ट्रिप में ये सब बहुत अच्छा लगता है. ट्रेन में आते जाते रहते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप का खाना, सहरसा में भी अंडा मिला. पहले देखते और कैसे क्या क्या चीज़ मिलते हैं आगे आगे. ठीक है, एक एक मोमेंट सबको दिखाते रहेंगे. स्टेशन देखिए कितना भीड़ है स्टेशन, ये सब लोग इसी ट्रेन में चढ़ने वाले हैं. आई गेस ये लोग सब वो साउथ साइड में काम करने वाले लोग हैं, आई गेस, मुझे पता नहीं, शायद उधर जाने के लिए ये लोग सब ट्रेन इसी ट्रेन में चढ़ने के लिए आ रहे हैं. Actually,
precious things about Assam. Assam is a good place. And if you can visit at Shillong, Cherrapunji, that is also a good place. Mm-hmm. And we are men of Assam are very simple. Mm-hmm. And the people of Assam can help you or give you what to take any assistance from them. That's it. Yeah. So what about the culture here in Assam? Culture, actually our main culture is Bihu festival. Okay, Bihu. I guess it's coming, right? Yeah. And especially it is happening on March. March. Or April. Okay. It will happen. Mm-hmm. That is called your Rongali Bihu. Okay. So it is the main culture of Assam. Mm. And Assam is compositions of the different type of peoples, okay, and community. Okay. So every community person can take the share of the Bihu festival. And our festival is Durga Puja. Durga Puja, yeah, West Bengal. I must say about the Hindu people, that is in Assam is Bengali. So Durga Puja is our festival. Okay. So we are getting the two big festivals. Mm-hmm. One is Bihu, another is Durga. Both things are great. So it was nice being talking with you. No, you are a very good person. Yeah. And I think that you are the most qualified. That is the people of that side. Yeah. Because I am man of Assam, I cannot speak this fluently. Okay. All right. So I don't know what is the requirement regarding my speaking. No issues. We can understand. स्टेशन है, ऑलमोस्ट बड़ा ही स्टेशन है, चार पांच प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है यहाँ पे, भीड़ भी है, यानी कि अभी ये फिफ्थ प्लेटफॉर्म है, ये मेरा जो ट्रेन है वो सिक्स प्लेटफॉर्म में है, अच्छी जगह है, अच्छा खासा गर्मी भी है यहाँ पे, ट्रेन अभी भी बिफोर टाइम है, आधा घंटा बिफोर टाइम में अराइव किया है यहाँ पे, और आप जो रास्ता सब देखा होगा बहुत ही हरियाली था, यहाँ से गुवाहाटी से लोग यहाँ पे उतर के यहाँ से शिलोंग जाते हैं, मेघालय जाते हैं, शेरापुंजी जाते हैं, ऐसे सब सीनरी जो हाँ जो जो जगह ये सब यहाँ से होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप कभी भी आएँ, यहाँ पे आके जाइए। तो गुवाहाटी में बहुत ही फेमस एक मंदिर है जो कि कामाख्या टेम्पल है, जो कि देवी का टेम्पल है, वो भी बहुत फेमस है, कभी अगर हो सके तो आप लोग ज़रूर आइए। आप लोग देख सकते हो विवेक एक्सप्रेस का जो कलर है ये ऐसा है, ये ट्रेन का जो कलर आता है वो पूरा ये क्रीमिश कलर है, उसमें रेड का बाउंड्री दिया गया है। वो जो था वो मेरा कंपार्टमेंट था जिसमें मैं आ रहा हूँ, वो है सेकंड एसी, और उसके जस्ट बाजू में ही है जनरल कंपार्टमेंट। इसका सिचुएशन देखिए, पूरा भरा हुआ है, लोग से भरा हुआ, ये लोग सब केरला जाते हैं, तमिलनाडु केरला सब जाते हैं यहाँ से लेकर काम करने के लिए, लाइक वहाँ पे काम करते हैं ये लोग। और देखिए इसका सिचुएशन देखिए, अंदर पूरा लोग से भरा हुआ है, एकदम फुल्ली पैक्ड है, राइट। और इसी सिचुएशन में ये लोग केरला तक पहुँचते हैं विदाउट एनी डिफरेंस और नथिंग। हमारा खाना रेडी है अब, तो एक तो चिकन बिरयानी है, एक तो मील्स है जिसमें राइस है, अंडा करी है, दाल है, चपाती है, तो ये बिरयानी हम लोग ने गुवाहाटी से खरीदा था। मील्स तो इस ट्रेन का पैंट्री का ही है, सो वी विल ट्राई बोथ विच वन इज मच बेटर। सो दिस इज अ चिकन बिरयानी विच वी गॉट फ्रॉम गुवाहाटी। अच्छा, इसमें अंडा, तो इसमें अंडा सब्जी है, अंडा नाच रहा है और इसमें क्या है, चावल, इसमें चावल है, बॉइल्ड राइस, राइट, बॉइल्ड राइस, आई गेस इसके अंदर दाल है और इसमें चपाती होगी, राइट। तो ये है आज का लंच, सो लेट्स सी कैसा खाना है, राइट।
इसी रिवर पे ही है वो माजोली आइलैंड, जिस मीन्स रिवर से ही होने वाली आइलैंड जिसमें फॉर्म होती है, वर्ल्ड फेमस रिवर आइलैंड जिसे बोलते हैं माजोली आइलैंड, इसी रिवर में ब्रह्मपुत्र में, एंड स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन, यू कैन सी इट, दैट्स ब्रह्मपुत्र। इतना विड्थ में था ये रिवर, दिस इज, दिस वाज ब्रह्मपुत्र, वन ऑफ द एपिक रिवर इन इंडिया। पानी यहाँ तक भी चढ़ के आता है, तो दैट्स द रीजन दे हैव मेड दिस बाउंड्रीज, एंड ऊपर में एक्चुअली रोड भी है, गाड़ी को जाने के लिए ऊपर का रोड है, वो फ्लाई ओवर इसके साथ ही था। इसी ब्रह्मपुत्र का कारण आसाम में फ्लड होती है बारिश होने पर, सोरो ऑफ आसाम, या सो इट इज आल्सो निकनेम्ड एज सोरो ऑफ आसाम, मींस बारिश के मौसम में ये पानी पूरा नेबरिंग ओवरफ्लो होके नेबरिंग प्लेसेस में भर जाती है और फ्लड हो जाती है, राइट। तो दैट्स अ थिंग अबाउट ब्रह्मपुत्र, इट्स रियली रियली अमेजिंग, यू मस्ट, एवरीवन मस्ट कम एंड सी दैट। तो हम अभी न्यू बोंगाईगांव जंक्शन स्टेशन में, आसाम के एक जंक्शन स्टेशन है, यहाँ से रेलवे ट्रैक्स डिस्ट्रीब्यूट होती है, राइट। तो ये भी अच्छा खासा स्टेशन है, थोड़ा आउटर में है लेकिन बड़ा स्टेशन है, पीछे बहुत बड़ा स्टेशन है, ऐसे कर्व में है स्टेशन, वैसे ठीक ही है। और इट्स नाउ नियरली 3 PM इन द इवनिंग एंड इट्स रियली हॉट, बहुत ज़्यादा ही हॉट है। और आपको देखा है आसाम के सभी स्टेशन इज़ रियली नीट, यू नो, आई मीन देखिए कितना अच्छा से मेंटेन किया गया है, एक भी कूड़ा नहीं है, कचरा नहीं, इज़ वेरी गुड, वेरी नीट एंड क्लीन। सो एनी वे, तो आप जैसे देखा था बहुत अच्छा ग्रीनरी है, बहुत सीनरी है, हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर भी क्रॉस किया था अभी, सो इट्स ऑल वेरी ब्यूटीफुल। अभी हम लोग अलीपुर द्वार स्टेशन में पहुंच गए हैं, ट्रेन अभी भी थोड़ा सा बिफोर टाइम है, यहाँ पे बहुत भीड़ है, वैसे देखा जाए लोग सब दौड़ के आ रहे हैं चढ़ने के लिए। और मैं जैसे बताया था कि ये किसका तो जनरल कंपार्टमेंट, इट्स ऑलरेडी फुल, ऑलरेडी फुल, वहाँ पे लोग चढ़ रहे हैं। एंड टुनाइट
आज का लास्ट शॉट हम लोग लेंगे न्यू जलपाईगुड़ी में, राइट। न्यू जलपाईगुड़ी विल बी द लास्ट शॉट विल बी टेकिंग जैसे जंक्शन, वहाँ से सिलीगुड़ी जाने का और दार्जिलिंग जाने का ये सब रूट भी वहाँ से होता है। इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट। ओके देन लेट्स हैव सम अदर शॉट्स ऑन द ट्रिप। जलपाईगुड़ी में पहुंच गए हैं, न्यू जलपाईगुड़ी एनजे पीसी शॉप में बोलते हैं और ट्रेन टिकट चल रही है। यहाँ पे थोड़ा बारिश हुआ है वैसे। सो आज के एपिसोड यही ख़त्म हो रहा है। अगर आपको बहुत पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कल हम लोग वेस्ट बंगाल और भी एक्सप्लोर करेंगे एंड विल बी एक्सप्लेनिंग इन द नेक्स्ट एपिसोड। स्टे ट्यून्ड, टिल देन सी यू।